तो फाइनली गाइस इस तरीके से फैलाना है एक एक चिप्स आपको। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आज ना मैंने सुबह सुबह से बहुत सारा काम करा। क्या काम करा वो ये देखो। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ ले लिए हैं आलू। ये लगभग मैंने 10 किलो के आसपास ले रखा है, बट हाँ थोड़ा सा कम बनाऊंगी। और इनको मैं अच्छे से छील लेती हूँ सभी को, और बड़ी सावधानी से छीलना है कहीं हाथ में ना लग जाए चोट। और छीलने के बाद मैं इनको पानी में डाल दूंगी ताकि काले ना पड़े और धुल भी जाएंगे ये। ये देखो गाइस इस तरीके से। तो इधर गाइस मेरे सारे आलू हो गए हैं, पूरी बाल्टी भर चुकी है मेरी। अब मैं इनको धो धो के साइड में निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद कसती हूँ मैं आलूओं को। ये धो दिए मैंने आलू, अलग कर दिए और इसमें दोबारा पानी भर लिया। अब इसमें कस कस के डालती हूँ मैं आलू को चिप्स के तरह। तो गाइस देखिए कैसे बन रही है स्लाइस, ये चिप्स की स्लाइस है, मस्त बन रही है ना। इधर दिखाती हूँ, ये देखो अभी धो मतलब काले नहीं पड़ रहे पानी में। अगर पानी में नहीं डालूंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। तो ये पतले पतले स्लाइस मस्त बनने वाले मेरे चिप्स। तो गाइस ये देखो मेरा पूरी बाल्टी भर गई है सारे कस के। और इधर ये भगोना भी, इधर पानी हो चुका है फुल गर्म। मैं जल्दी जल्दी चिमटे से करती हूँ। ये देखो पानी उबल गया, अब इसमें डाल के भाप लगाऊंगी इसमें बस। तो गाइस इस पानी में मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। चिप्स को मैं यहाँ से ऐसे निकालूंगी, अच्छे बने हुए ना, बहुत जबरदस्त, बहुत ही उम्दा। और फिर ये जो उबल रहा है मेरा पानी, इसमें प्यार से हल्के से छीटना जाए डाल दूंगी। और बस एक भाप लगा के फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, सेंधा नमक, क्योंकि जो कि हम व्रत में भी खा सकेंगे, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये देखो गाइस इस तरीके से पूरा भर गया मेरा। ये सही तरीका है कि पानी के अंदर डीप हो जाए बिल्कुल। इसमें थोड़ा और पानी डालती हूँ मैं, इसी गर्म पानी को डाल दूंगी इसमें। तो गाइस एक भाप लगानी है बस, ज़्यादा नहीं। ये देखो मेरा थोड़ा बहुत पक चुका है, हल्का सा और रहता है, हल्का सा और रखूँगी। फिर उसके बाद सीधे मैं इसको छत पे ले जाके एक कपड़ा बिछा रखा है मैंने और उस पर एक एक पीस। गाइस मैंने ना पानी छान दिया भगोने में से, और अब मैं जा रही हूँ इसको बाहर धूप में डालने। फिर मैं छान के ले आई थी इसको भी। बहुत मेहनत करते हो यार। हाँ देखो अब मैं मोटा मोटा जल्दी दिखे वाले ऐसे ऐसे फैला। एक पतीला तो सुखा दिया। हाँ अभी फैलाना है। अभी एक एक पीस इसको ना अलग कर लें। और इसको मैं एक एक पीस करके एक एक चिप्स हाँ फैला रहे हो हाँ, ताकि सब में धूप लग जाए अच्छे से और तुम्हें खाने में मजा आ जाए। करारे हो जाएंगे हाँ। इसी तरीके से इसमें क्या क्या लगाया है वैसे तुमने? नमक, संधा नमक क्योंकि व्रत में खाना है ना। ये पतले पतले काट के पानी में उबाल दिया हाँ। नमक लगा के, नमक तो पानी में डाल दिया था ना मैंने, तो उसमें टेस्ट आ जाएगा। इधर ये मैंने कर दिया पहले से। ये पूरे मेरे लगभग 8 किलो का आलू है। अच्छा टोटल 8 किलो लगभग हाँ। तो बस अभी इसे धूप में सूखने देते हैं, अच्छे से फैलाऊंगी पहले मैं इनको, वो बाद में दिखाती हूँ। तो फाइनली गाइस इस तरीके से फैलाना है एक एक चिप्स आपको, और इसको खूब अच्छे से धूप लगानी है। आज मैंने बनाए चिप्स, आपको चिप्स की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलेगा हाँ आपको अच्छा लगा या नहीं, और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी ऐसी कोई और वीडियो बनाऊं, है ना। और फिलहाल अभी हम वो रखे हैं रेडी, क्योंकि पड़ोस में है कीर्तन तो वहीं जाते हैं और माता रानी का भजन करते हैं। चलो चलते हैं। नानू आ गई घर में ना? नानू नहीं, देवो भी आ गया। मुझे तो नहीं लग रहा हुआ मैं पता नहीं।
प्रसाद हो रहा है नानू का। नानू खा रहा है। फ्रेंड्स हमने खा लिया प्रसाद और अब घर आ गई हूँ। बोलो नानू जहाँ गई थी ना उनके यहाँ से गिटार उठा लाया। नानू वापस दे दोगे उनका? नहीं। क्यों? उनके लिए बड़ा ले आऊंगा। अच्छा उनके लिए बड़ा लाओगे, ये नहीं दोगे? नहीं। अच्छा आऊंगे वापस बाद में, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना लाना चाहिए किसी का, है ना? नहीं। किसी का ऐसे थोड़ा ना लाते हैं टॉय। आपके लिए है? ठीक है, तो इस गिफ्ट को मैं वापस कर आऊंगी। इधर ये बैठी है मेरी भाभी जी, अभी हम लोग साथ में रहते कीर्तन में, आप आ गए घर में बैठे हैं। हेलो कर दो भाभी। और ये मेरी सड़ाया, इट्स श्रेया, इसका नाम है श्रेया। आइए गेम खेलते हैं, है ना? तो बस फ्रेंड्स आज मैं कुछ स्पेशल नहीं था, स्पेशल था तो चिप्स। तो फाइनली गाइस मेरे ये सूख के चिप्स इस तरीके के हो गए हैं, बिल्कुल करारे करारे। और मैं इसको भी आपको तल के दिखाती हूँ, फिर आप लोग बताना कैसा बना है मेरा चिप्स। मैंने पन्नी में बंद करके रख दिया इसको, क्योंकि हवा में तो सील जाएंगे ना, इसलिए। गाइस यहाँ पर हमारे चिप्स हो गए हैं तैयार और वहाँ लगी है ये रिद्धिमा तलने। तो आज टेस्ट करके देखेंगे, तीन दिन की मेहनत को रंग लाए हैं, छींटे मार रही हैं ये मैडम हमारे पैरों पे। क्या मस्त, क्या करारे करारे चिप्स हैं यार। सही हो रही है ना? बढ़िया मस्त, थोड़े थोड़े करके होंगे, मजा आएगा। देखा दोस्तों ये हमारे सेंधा नमक के घर में बने हुए चिप्स, नमक वाले, तो कि हम व्रत में भी खा सकते हैं। देखो हमने कितने सारे बनाए हैं, 8 किलो आलू के, ये देखो चिप्स, यो बेबी यो। तो बस इस ब्लॉग को ये करती हूँ खत्म। आई होप आपने हमारा आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।